अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन स्टू, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुकर में ऑयल लिया हुआ है, तो ये एक कटोरी मैंने ऑयल लिया हुआ है और इसको अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। तो इसमें मुझे ऐड करनी है, मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है, तो ये सब प्याज मुझे इसमें ऐड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब प्याज इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पहले, और प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बहुत लाइट पिंक करनी है प्याज को कलर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट पिंक हो ही गई है प्याज, तो हमें डार्क ज़्यादा नहीं करना है प्याज का कलर, सिर्फ लाइट पिंक करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये प्याज रेडी हुई है। और अब इस स्टेज पे ना हमें इसमें ऐड करना है मटन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1 किलो मटन है, तो ये सब मटन मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मटन डाल के अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है 1-2 मिनट तक, ठीक है। तो इसको 1-2 मिनट तक हमें इसको मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें, और साथ ही हमें इसमें ये खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो 4 से 5 हमारी छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और जावित्री है, 4 से 5 हमारी लौंग हैं और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 4 से 5 हमारी सिया मिर्च है, 1 टीस्पून हमारा ज़ीरा है। तो ये हमारे खड़े मसाले हैं, और साथ ही इसमें हमें ऐड करना है, ये मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 हम मैंने साबुत मिर्चें लाल ली हैं और 20 से 25 लहसुन की कलियां हैं। तो इसको मैंने बारीक काट लिया था इन तीनों चीज़ों को, तो ये इसमें ऐड करनी है। और साथ ही हमें इसमें थोड़े पाउडर मसाले हैं, तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्चें हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप नमक मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, जैसे आपके यहाँ खाई जाती हों, ठीक है। थोड़ा मैं कमी यूज़ करती हूँ मिर्चों का, कि बच्चे थोड़ा नहीं खा पाते मिर्चें, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा मिर्चें, ठीक है। तो ये सब मसाले डाल के अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है, और साथ ही इसमें हमें ऐड करना है ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो मैं इसको बारीक काट लिया था, तो ये टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर डाल के भी 1-2 मिनट तक इसको भूनेंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा घर का देसी खाना कैसा लग रहा है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसमें हमें डालना है 1 कटोरी पानी, कि हमारा गोश्त और मसाले अच्छे से गल जाएं। तो ये मैं 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ उसमें, कि हमारा अच्छे से गोश्त गल जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पहले, तो ज़्यादा भी हमें पानी ऐड नहीं करना है, कि प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी। और इसमें हमें लगानी है 4 से 5 विसल, कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 से 5 विसल आ चुकी हैं, तो ये इसको हम खोल के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको हमें भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल गया है। अब हमें इसमें डालना है, ये 1 कटोरी मैंने दही लिया हुआ है, तो ये दही इसमें ऐड करेंगे और दही डाल के इसको अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता ना, जब तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छे से
भुनाई हो गई है, तो 5 से 10 मिनट लगे हमें भूनते हुए। और चलिए हमारा ये स्टू रेडी है, तो एक बाउल में हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा मटन स्टू रेडी है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।